Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 9 of the topic called trigonometry. Ab tak humne 3.1 aur 3.2 kar liya hai including examples. 3.3 se pehle ek chota sa phrase padh lo, ye words acche hain. 3.3 mein bahut kaam aane wale hain. Lucky wo nahi hota jiski lottery lag jati hai, lucky wo hota hai jo taiyar hota hai. Jab taiyar aadmi ko mauka milta hai na to wo us mauke ka fayda uthata hai, aur jo log nahi taiyar hote unhe lagta hai ki wo lucky hai. तो ध्यान दे लेना, 3.3 भी कुछ इस प्रकार से है. 3.3 एक्सरसाइज उस बच्चे को समझ आएगी जिसको साइन ए प्लस बी आता है. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जिसको साइन ए माइनस बी आता है. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. कम से कम अगर ये फॉर्मूला 25-25 बार लिखे हैं, जो मैंने लेक्चर 1, 2, 3 में आपको बोले थे, जो कराए थे, ये वो फॉर्मूलाज हैं. आपको कोई बोलता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. इसके प्लस में यहां माइनस आता है, इसके माइनस में यहां प्लस आता है. ये बेसिक चार फॉर्मूलाज के बाद टैन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी. टैन ए माइनस बी, मेरे प्यारे बच्चों, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए टैन बी. अगर ये फॉर्मूलाज बोरिंग लग रहे हैं तभी इस क्लास का फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है. कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, स्टार मार रहा हूं, स्टार मार रहा हूं. कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए. ये लेवल वन ऑफ फॉर्मूलाज हैं. जब आप ये कर लेते हो यू गेट ऑन टू सेकेंड लेवल. सेकेंड लेवल है साइन टू ए कॉस टू ए टैन टू ए. ध्यान देना, इन फॉर्मूलाज को ट्रिगो खत्म होने के बाद भी करवाऊंगा. साइन टू ए का होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए. थोड़ी सी आंख मार रहा हूं, इस बात पे ध्यान देना. अगर कहीं साइन फोर ए लिखा हो और मैं यही फॉर्मूला लगाने को बोलूं तो तुम बोलोगे टू साइन टू ए इंटू कॉस टू ए. कहीं पे लिखा हो साइन ए और यही फॉर्मूला लगाने को बोलूं तो तुम लिखोगे टू साइन ए बाय टू इंटू कॉस ए बाय टू. ये याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइन टू ए का एक और फॉर्मूला होता है टू टाइम्स टैन ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए. वन प्लस टैन स्क्वायर ए, ये भी साइन टू ए का फॉर्मूला होता है. दिल से अगर याद है तभी आगे बढ़ेंगे. कॉस टू ए इज पापा, ही इज द पापा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. जितने फादर की जरूरत होती है ना लाइफ में, फादर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. कई लोगों ने तो स्टेटस भी डाला हुआ है माई फादर इज अ सुपर हीरो, और एक्चुअली में फादर इज अ सुपर हीरो. तो ये बात याद रखना, जहां पर फंस जाओगे वहां पापा निकालते हैं आपको. आपके पापा जितने मर्जी शरीफ हो, जितने मर्जी सीधे हो, मगर भगवान ना करे अगर आप फंसे हो तो उनको हर तरीके से आपको निकालना आता है. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर डैड. बस ये डैड का एक प्रॉब्लम होता है, डैड की बेचारे की लाइट नहीं पड़ती उनपे. द स्पॉटलाइट नेवर फॉल्स ऑन डैड. बट मानो पिताजी बहुत मेहनत करते हैं मेरी तो. चलो छोड़ो, कॉस टू ए का फॉर्मूला देख लो. कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस टू ए का फॉर्मूला है भाई. कॉस टू ए का फॉर्मूला भाई टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन. ये कहां से आया है ये मैंने अपने शुरू के लेक्चर्स में बता रखा है. कॉस टू ए का फॉर्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए. कॉस टू ए का फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस टू ए का फॉर्मूला है वन माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए. जब भी ट्रिगो में फंसोगे ना, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाकर आपको निकाल लाएगा. ये बात याद रख लेना, ये कॉस टू है. मगर मैं पंगे जरूर लूंगा अगर कहीं पे लिखा हुआ आता है कॉस ए. कहीं लिखा हुआ आता है कॉस ए तो तुम लिख सकते हो
cos स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू, या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a बाई टू माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई टू, लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई टू। ये फार्मूला बेटा 25-25 बार अगर सारे फार्मूलाज लिखे हैं तो 3.3 आसान लगेगी, नहीं तो 3.3 मुश्किल लगेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, tan 2a का आता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। दिस इज लेवल 2 ऑफ द फार्मूलाज। लेवल 3, साइन 3a cos 3a और मेरे प्यारे बच्चों tan 3a। मुझसे पहले आपको याद होना चाहिए 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये तीनों फार्मूलाज मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, साइन 3a, cos 3a और tan 3a। इसके बाद एक ब्रेक लो, ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये फार्मूलाज मुझे याद करने में कई साल लग गए थे एज अ टीचर, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। साइन सी प्लस साइन डी एंगल्स होते हैं ये, साइन सी माइनस साइन डी एंगल्स होते हैं ये, कॉस सी प्लस कॉस डी एंगल्स होते हैं ये, और कॉस सी माइनस कॉस डी एंगल्स होते हैं ये। फॉर्मूला वही होता है 2 सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, 2 सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, 2 सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, माइनस 2 सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। अगर अच्छे हो तो यहाँ लिखोगे साइन, यहाँ लिखोगे कॉस, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में, यहाँ लिखोगे कॉस, यहाँ लिखोगे साइन, यहाँ लिखोगे कॉस, यहाँ लिखोगे कॉस, यहाँ लिखोगे साइन, यहाँ लिखोगे साइन। पहले वाले का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी कॉस सी माइनस डी बाई टू, सेकेंड वाले का हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तीसरे का हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, चौथे का हो जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कुछ बुक्स में एक और भी लिखा होता है इनका फॉर्मूला, वो भी इंपॉर्टेंट है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये उल्टा कर दिया, माइनस का साइन अंदर ले आए। ये चारों फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बुक में भी तो थे सर, आपने क्या बता दिया। इसमें बस एक बात करूँगा, कोशिश करना कि सी को बड़ा रखना डी से। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जब लगाओ कोशिश करना सी वाली टर्म बड़ी हो, तो स्टेप बच जाएंगे। मैं नहीं कह रहा सी छोटा होगा तो आंसर नहीं आएगा, स्टेप बच जाएंगे। ये बात अभी समझ नहीं आएगी, धीरे धीरे जब करोगे देन यू विल कम टू टर्म्स विद इट। अगला ये वर्ड देख लो, ये आपको चोक करा देगा भाई, ये बात याद रख लेना। ये फॉर्मूला वहां मारेगा जहां आपके 100 आने वाले होंगे और 100 आने से रह जाएंगे, ये बात याद रख लेना। ये 100 तक पहुंचाने वाली लास्ट की है। जय माता दी। ये लेक्चर शायद लंबा चले तो पॉज कर लेना, भले ही दो बारी में देख लेना। माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये फॉर्मूलाज हैं। ये आपके साइन सी वाले भी करा दिए, थ्री ए वाले भी करा दिए, हाँ जी करा दिए। और एक बात पता है कि रेडियंस को मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाय पाए से, तो डिग्री में आ जाता है, और डिग्री वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से तो रेडियन में आ जाता है। ये हमारा टॉपिक है। अब ज़रा ध्यान से सुन लो, अगर ये सारे फार्मूलाज 25 बार लिखे हैं तो ही इस लेक्चर को आगे देखने का फ़ायदा है, नहीं तो ना परेशान हो जाओगे, और परेशान होने से ना कोई फ़ायदा है नहीं। देर इज़ नो नीड कि आप परेशान होकर चलो। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 10। वो कहता है प्रूव दैट, कहता है प्रूव दैट
टू साइन, सॉरी थ्री साइन पाई बाय सिक्स सेक पाई बाय थ्री माइनस फोर साइन फाइव पाई बाय सिक्स कॉट पाई बाय फोर इक्वल्स टू वन। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। साइन पाई बाय सिक्स है, रफ में लेके जाओ पाई बाय सिक्स को मल्टीप्लाई करो 180 बाय पाई से, पाई से पाई चला जाएगा, सिक्स वन ज़ा सिक्स थर्टी ज़ा, तो ये हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/2 होती है, बिल्कुल रिलैक्स। ओके जी, सेकंड आता है सीकेंट पाई बाय थ्री, सीकेंट पाई बाय थ्री है, पाई बाय थ्री को मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ बट नहीं बोलूँगा, मैं डिग्री में भी क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं नया नया हूँ, अभी हम ट्रिगो में नए नए आए हैं तो एकदम रेडियंस पे पकड़ नहीं होगी 60। सो दिस इज इक्वल्स टू सेक 60, जिसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 2 होती है, सेकेंड 60 की वैल्यू 2 होती है, सही लिखी हुई है मैंने। अगला क्या आया, ये भी हो गया साइन 5 पाई बाय 6, साइन 5 पाई बाय 6 ये थोड़ा सा तंग करेगा, 5 पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई करो 180 बाय पाई से, पाई से पाई गया 6 वन ज़ा 6 थर्टी ज़ा, ये 150 हो गया। अब साइन 150 के लिए आपको वो क्वाड्रेंट वाला चक्कर चलाना पड़ेगा, साइन 180 माइनस 30 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इन भाई साहब की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2। गेम सारी यहाँ पर है, बस लास्ट वाला कौन सा है, कॉट पाई बाय फोर, वैसे तो मुझे याद है बट स्टिल पाई बाय फोर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 बाय पाई से, पाई से पाई गया 4 वन ज़ा 4 45 ज़ा, दैट इज कॉट 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1। यही इस क्वेश्चन का गंदे वाला पार्ट है, चाहो तो मुझे पॉज करके वैल्यूज डाल दो, ये वैल्यूज डालनी है आपने और आपका आंसर आ जाना है, और कुछ नहीं करना। हमने यहाँ पे वैल्यूज डाली 3 इंटू साइन पाई बाय सिक्स 1/2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू साइन पाई बाय सिक्स इज 1/2 इंटू 1, 2 से 2 गया, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा 3 माइनस 2, योर आंसर इज मेरे प्यारे बच्चों 1। कीप स्माइलिंग एंड कीप डूइंग द गुड जॉब। ये था एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 11। अगर समीर भैया ने नहीं कराया हुआ तो जब मिलूं गोली मार देना, साइन 15 डिग्री की वैल्यू। मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में ही साइन 75, साइन 105, साइन 75, कॉसेक 75 इससे इस लेवल का ऑलरेडी करवाया हुआ है, बट क्योंकि यहाँ मेरा धर्म आ रहा है बीच में, मेरा धर्म है ये क्वेश्चन कराना, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 45। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को आप लिख सकते हो साइन 45 माइनस 30, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी का। यही वैल्यूज क्यों ली, क्योंकि ये वैल्यूज हैं जो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से मिलेंगी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सो योर आंसर इज साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। साइन 60 इज रूट 3/2 इंटू 1/√2 माइनस कॉस 60 इज 1/2 इंटू साइन 45 इज 1/√2। ये वैल्यूज याद रखोगे तो फायदा होगा, एलसीएम आ गया 2√2, ऊपर बचा √3 माइनस 1। चाहो तो रैशलाइज करो, हल्की सी एक बात बोल रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो मेरी सारी बातों को 100% लेते हैं, ये वैल्यू कहीं ना कहीं याद रख लेना, जब MBA का पेपर देने जाओगे ना, बड़े लेवल के एग्जाम्स होगे, और अगर ये वैल्यू आएगी फटाफट से लिख देना √3 - 1/√2। आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। ये था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 13। वो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाय 12। इसको हम करेंगे एक तो अभी बच्चों वाले मेथड से, 13 पाई बाय 12 को मल्टीप्लाई करा 180 बाय पाई से, पाई से पाई गया 12 के टेबल में 15 जा जाता है, 12 के टेबल में 15 जा जाता है, 12 वन जा 12, हाँ जी बिल्कुल
अब 13 इंटू 15 निकालो, प्रॉपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हम बच्चों से करवाते हैं। 15 इंटू 13, 5 ज़ा 65, 6 कैरी, 13, 1 ज़ा 13, 195, इट इज़ इक्वल्स टू 195 डिग्री। अब अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो इसको लिख दूंगा tan 195 डिग्री, tan 195 को लिखूंगा tan 180 प्लस 15 डिग्री, कुछ और लिख ही नहीं सकता। अब जब ये करता हूँ तो मेरा क्वाड्रेंट वाला चक्कर आता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 180 प्लस मुझे थर्ड क्वाड्रेंट पे ले आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है और 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो आई विल राइट इट एज टैन 15। इसका आंसर हो गया टैन 15। अब टैन 15 से पंगे लेने के लिए मैं जाऊंगा, इसे लिखूंगा टैन 45 माइनस 30। आप चाहते तो इसको टैन 60 माइनस 45 भी लिख सकते थे। ये देखते ही मेरे माइंड में जो फॉर्मूला आया वो आया टैन ए माइनस बी का। टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी। सो इट विल बी टैन 45 माइनस टैन 30 अपॉन वन प्लस टैन 45 इंटू टैन 30। वैल्यूज याद होनी चाहिए मेरे हीरो, 1 माइनस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस टैन 45 होता है 1 इंटू रूट 3 होता है 1 बाय रूट 3, टैन 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3। एलसीएम आ गया रूट 3, रूट 3 माइनस 1 अपॉन एलसीएम आ गया रूट 3, रूट 3 प्लस 1। थोड़े स्टाइल मारो तभी लाइफ आगे बढ़िया होगी, बता रहा हूँ। रूट 3 से रूट 3 गया, योर आंसर इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। प्लीज़ इसको रैशनलाइज करना, क्या करना रैशनलाइज, जैसे कि टैन 15 आया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, रैशनलाइज करने के लिए रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1। अगर क्लास 7 है तो ए माइनस बी, ए माइनस बी इज रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 3 माइनस 1, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 कॉमन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 गया। तो फाइनली कहीं ना कहीं अगर आपने कोई नोटिस बोर्ड लगा रखा है जहां आप पढ़ते हो तो वहां सामने लिख लेना tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3। आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं, एम आई क्लियर और नॉट। अब जरा ध्यान से अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए आया है। एग्जांपल 13, वो कहता है प्रूव दैट क्या साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू टैन x प्लस टैन वाई अपॉन टैन x माइनस टैन वाई। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे, देखे लगेगा ही नहीं कि हम कर सकते हैं, होंगे ऐसे। तो यहां पर ना आई डोंट नो कभी तुमने क्रिकेट खेला है या नहीं खेला है, क्रिकेट देखा की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट खेला है या नहीं खेला है। क्रिकेट में चौका छक्का होते हैं बड़े शॉट्स, बट जिनको सिंगल डबल लेना आता है ना वो अच्छे बैट्समैन होते हैं, जो बॉल को कहीं पे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट इज वाई विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, क्योंकि वो बॉल पे अगर चौका नहीं मार पा रहा तो वो सिंगल डबल ले रहा है। एक एवरेज बच्चा, देखो तुम टॉपर्स हो गए, तुम्हें से कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत अच्छा नहीं था, आई वॉज अ वीक स्टूडेंट, आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग। तो बस मेरी एक अच्छी बात यह थी कि मैं कुछ ना कुछ कर देता था। यहां जब देख रहा हूं साइन एक्स प्लस वाई को जब देख रहा हूं तो मेरा मन कह रहा है कि लग रहा है साइन ए प्लस बी, जो कि होता है पाए आपको। नीचे वाले को देख रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला लग रहा है साइन ए माइनस बी, तो बच्चा कहेगा सही है। ऊपर लिख देंगे साइन ए, ए एक्स है, कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी होल अपॉन, नीचे लग रहा है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहां तक करके छोड़ आना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना करके छोड़ आना, दैट विल बी ऑल, दैट विल बी ऑल। ये मेरे से LHS इतनी सॉल्व हुई है। अब मैं आऊंगा थोड़ा सा RHS के पास, अगर मैं वीक हूं तो tan x को लिख दूंगा sin x अपॉन cos x प्लस tan y को लिख दूंगा sin y अपॉन cos y हो डिवाइडेड बाय tan x को लिख दूंगा sin x अपॉन cos x माइनस sin y अपॉन cos y। इसमें कहीं पे भी स्किल्स नहीं लग रहे, कहीं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लग रही। LCM आ रहा है cos x cos y, ये ऊपर आ जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा। नीचे भी LCM आ जाएगा, LCM आएगा cos x cos y, अगर क्लास साथ है तो ये इधर आ जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y। ये पूरे एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कट गया, आ गया sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन sin x cos y माइनस cos x sin y। अगर देखो तो LHS इज इक्वल्स टू क्या आ गई, RHS। ये एक आम बच्चा प्यार से जिसका मैथ्स वीक है, अगर बेसिक्स क्लियर है तो वो कर सकता है। सारा बेसिक का गेम था, प्लीज इसे कॉपी करो, ये इसको करने का आसान तरीका है। ये करने के बाद मैंने कहा अब इससे पंगे लेते हैं, ये वाला हटा दिया। अब टीचर की ईगो भी तो आएगी ना, अगर LHS और RHS करना पड़ जाए तो वो टीचर को अच्छा नहीं लगता, टीचर को लगता है यार मैं प्रूव नहीं कर पाया। तो अब टीचर क्या देखेगा, आंसर में RHS में चाहिए tan, RHS में क्योंकि tan चाहिए और tan होता है sin upon cos, हमें आपकी जरूरत नहीं है, tan y चाहिए तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एक स्टार स्टेप होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय cos x cos y, ये प्रैक्टिस से आएगा, sin x cos y प्लस cos x sin y होल अपॉन sin x cos y माइनस cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y cos x cos y cos x cos y cos x cos y। पहले क्यों करा वो बताता हूं, सही करा या नहीं करा, न्यूमरेटर को भी सेम टर्म से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी सेम टर्म से डिवाइड कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लास देखेगी cos y से cos y कट रहा है, cos x से cos x कट रहा है, cos y से cos y कट रहा है, cos x से cos x कट रहा है, आंसर आया sin x upon cos x को किसी भी दिन आप लिख सकते हो सर tan x प्लस sin y upon cos y को लिख दोगे सर tan y होल अपॉन सर sin x upon cos x को लिख दोगे tan x माइनस sin y upon cos y को लिख दोगे tan y। LHS इज इक्वल्स टू क्या सर, RHS, ढिचकिया हूं इस तरीके से। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 फॉर यू गाइज। एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद इतनी प्यारी NCERT किताब है, एग्जाम्पल देती है उसी टाइप के क्वेश्चन दे देती है। एग्जाम्पल 14 में ये प्रूव करना है, शो दैट tan 3x tan 2x tan x तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बराबर है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अगर आपसे ये ना हो इसे अपनी हार मत मानना, अगर ये ना हो तो इसके बाद NCERT की 3.3 का 22वां क्वेश्चन कर लेना, NCERT की 3.3 का 22वां क्वेश्चन कर लेना, ये ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ कहानियां मार सकता हूँ, बस ये दिख रहा है कि 3x है 2x है और x है, तो मैंने कहा यार बस एक ही चीज कर सकता हूँ, 3x को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस x, इसमें तो कोई पाप नहीं किया ना। इसी में अगर मैं 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस x है, इधर भी लगा दूं tan और इधर भी लगा दूं tan, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा,
बस फर्क यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा tan a प्लस बी का, जो कि क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b इज इक्वल टू, इधर कौन है tan 3x। इसको करने की ट्रिक है। अगर आप चाहो तो अभी मुझे रुको, एनसीईआरटी की 3.3 का 22वें क्वेश्चन में यही करो, बट आपने दोनों तरफ कॉट लगाना है। मैं टैन लगा रहा हूं, आप कॉट लगाओगे। अब ये टर्म इधर डिवाइड हो रही है, उत्थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, उत्थे मतलब उधर जाके, टैन 3x इंटू 1 माइनस टैन 2x इंटू टैन x बराबर टैन 2x प्लस टैन x। अब ये tan 3x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा tan 3x माइनस, जब ये tan 3x इससे मल्टीप्लाई होगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर हो जाएगा tan 2x प्लस tan x। अब आपको ग्लोरी मिल चुकी है, ग्लोरी मिल चुकी है मींस ये चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये एक्सप्रेशन इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा tan 3x tan 2x tan x, और यहां पर कौन था tan 3x, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस tan 2x, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस tan x। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 15 पे, इस पे बेटा एग्जाम्पल नंबर 15 पे मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 15 ऑफ एनसीईआरटी। वो भाई साहब बोल रहे हैं प्रूव दैट कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट टू कॉस एक्स। कई बार हमें लगता है हम जैसे दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया भी वैसे ही देखे, बट ऐसा नहीं होता। सेम चीज को देखने के लोगों के अलग अलग नजरिए होते हैं और हमें उन नजरियों का स्वागत रखना, मतलब वी शुड नॉट बी कि ये ऐसे ही होगा ये वैसे ही होगा। रिजिड मत बनना पढ़ाई में, रिजिड मत बनना, फ्लेक्सिबल बनना। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छे अच्छे तरीके से कराते हैं, बट हम तो भैया बेसिक टीचर हैं, हमें ज़्यादा नहीं आता। हमने पाई बाय 4 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करा, पाई से पाई गया, 4 वन ज़ा 4 45 ज़ा। मैंने कहा पहले मैं इसको अपने हिसाब से कर लूँगा, कॉस 45 प्लस एक्स प्लस कॉस 45 माइनस एक्स। अब इसको देखकर मेरे मन में जो पहली फीलिंग आई थी जब मैं स्टूडेंट था, तो आई थी कॉस ए प्लस बी की, और इसको देख के जो पहली फीलिंग आई थी वो आई थी कॉस ए माइनस बी की। ये फार्मूला मुझे याद होने चाहिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। प्लीज़ याद कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है। अगर फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो सर ट्रिगो नहीं आती, सर मेरे को ट्रिगो में प्रॉब्लम है, वो रहेगा भाई साहब, करना तो पड़ेगा। नोबडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, आपकी जिंदगी है, आप ही बनाओगे, आप ही खराब करोगे, द चॉइस इज योर्स। अब यहाँ लग गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसके प्लस में माइनस आता है, उसके माइनस में प्लस आता है। एक अच्छा बच्चा जो अवेयर होगा वो कहेगा सर साइन 45 साइन एक्स प्लस में है, साइन 45 साइन एक्स माइनस में, ए जय माता दी। अब सर कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू सर कॉस एक्स प्लस सर कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 कॉस एक्स। सर कॉस एक्स है सर, ब्लू से ही लिखते हैं, डिज़ाइन खराब नहीं होना चाहिए, स्टाइल भी तो मारने हैं ना, कॉस एक्स। अब अगर क्लास देखे 1/√2 कॉस एक्स 1/√2 कॉस एक्स, तो क्लास बोलेगी 2 × 1/√2 कॉस एक्स। अब हमने एक ही चीज़ सीखी है, रैशलाइज √2 √2, ऊपर आ जाएगा 2√2 कॉस एक्स अपॉन √2 × √2 इज 2, 2 से 2 गया, आंसर बचा √2
cos x, LHS is equals to RHS. ये इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड है, ध्यान से देख लेना, इसे कॉपी कर लेना और फाइनल आंसर आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन को अगर एक और मेथड से करना हो सर, तो एक और मेथड बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को एक बच्चे ने कैसे देखा, ये जो साइंस वाले बच्चे होते हैं जिनका दिमाग एक लेवल थोड़ा सा ज़्यादा तेज चल रहा होता है, वो इसको देखेगा कैसे। वो कहेगा सर मैं इसमें लगाना चाह रहा हूँ कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। कॉस सी प्लस कॉस डी, इमीडिएटली चेक करो क्या है। कॉस सी प्लस कॉस डी होता है सर 2 कॉस सी 45 प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 45 प्लस एक्स, ये माइनस होगा तो ये माइनस 45 और ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन 2। पहले देख लो, आराम से पंगे लेते हैं, फॉर्मूला बता दूं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ एक्स से एक्स जा रहा है या 45 से 45 जा रहा है। सर 2 कॉस 45 प्लस 45 होता है 90 अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स सर 2x अपॉन 2। सर ये हो गया 45, ये हो गया सर x, मतलब सर 2 cos 45 की वैल्यू, अब टाइम वेस्ट मत करो सर, cos 45 की वैल्यू डालो, cos 45 की वैल्यू विल बी 2 cos 45 की वैल्यू विल बी 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस एक्स। अब अगर क्लास साथ है 2 बाय रूट 2 इंटू कॉस एक्स, ऊपर भी रूट 2 नीचे भी रूट 2, आंसर इज 2 रूट 2 अपॉन 2 कॉस एक्स, 2 से 2 गया, आंसर इज रूट 2 कॉस एक्स। सर ये हमारी वैल्यू आ गई रूट 2 कॉस एक्स। इफ द क्लास इज विद मी, इफ यू आर विद मी, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हम कोई कोर्स खत्म नहीं कर रहे, हम कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो बहुत फायदा होगा। अगला आता है एग्जाम्पल 16, वो कहते हैं कि प्रूव दैट cos 7x plus cos 5x upon cos 7x, sin 7x minus sin 5x equals to cot x, ये प्रूव करना है। इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, मस्ती वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऊपर को देख रहा हूं तो लग रहा है cos c प्लस cos d, नीचे को देख रहा हूं तो क्या लग रहा है sin c माइनस sin d। ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं होंगे ना दुखी रहोगे, तो दुखी मत रहो बेटा, खुश रहो। 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू cos 7x माइनस 5x अपॉन 2। मैं पहले कर रहा हूं बाद में फॉर्मूला लिख रहा हूं, ताकि आप लोग मेरे पे डिपेंडेंट ना रहो, फॉर्मूलाज आपको खुद को आने चाहिए, नहीं तो वहां पर एक c की जगह d लग गया ना तो नानी याद आ जानी है। यहाँ आ जाना है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2, सिंपल सी बात है। तो थल्ले की आएगा, नीचे क्या आएगा 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू sin 7x माइनस 5x अपॉन 2। एक अच्छा बच्चा जिसका विजन स्ट्रांग है, जो देख पा रहा है, वो कहेगा सर ऊपर और नीचे एग्जैक्टली सेम टर्म है, तो सर क्या करो, एग्जैक्टली सेम टर्म है तो ये से ये कैंसिल हो गया, उसने वेट भी नहीं करा इसको सिंप्लीफाई करने का, उसने सीधा सा कैंसिल कर दिया। अब ये क्या है, कॉस 2x अपॉन 2 अपॉन सर नीचे क्या है साइन 2x अपॉन 2, ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, आंसर इज कॉस x अपॉन साइन x, और टेंथ क्लास में आ जाओ तो क्या आ जाएगा cot x, cos अपॉन sin बराबर हो जाता है cot x। दिस इज योर एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल ज़्यादा थे इसमें। लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 17 मतलब खतरा। वो कह रहा है कि प्रूव दैट, वो कह रहा है प्रूव दैट sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x
को प्रूव करो tan x. ऐसे क्वेश्चन देख के मेरे एज अ स्टूडेंट हाथ पैर फूल जाते थे, मेरे हाथ पैर फूल जाते थे, मैं नहीं करा पाता था. तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई ऑड वन को आउट करो. मैंने साइन 5x और साइन x को एक डब्बे में बंद कर दिया और ऑड वन जो था माइनस टू साइन 3x को अलग कर दिया. नीचे cos 5x माइनस cos x आ गया. अब इसको देख के या तो रोते रहो या दिमाग लगाओ. यहाँ फॉर्मूला आएगा साइन c प्लस साइन d का, यहाँ फॉर्मूला आएगा cos c माइनस cos d का. बस आपको ये ध्यान देना है. अब ऊपर जो लग रहा है साइन c प्लस साइन d बराबर होता है 2 साइन 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 5x माइनस x अपॉन 2 माइनस 2 साइन 3x होल डिवाइडेड बाय, नीचे cos c माइनस cos d है, cos c माइनस cos d. जी हाँ, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मैंने क्वेश्चन सही उतारा, एक बार चेक कर लूँ, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लूँ. हाँ बिल्कुल सही उतारा है. cos c माइनस cos d का 2, ध्यान से देख लेना, साइन 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस 5x अपॉन 2, अगर याद आ रहा हो तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक. हाँ अब क्या बचा, 2 साइन 5x प्लस x होता है 6x अपॉन 2 3x, cos 5x में से x गया 4x अपॉन 2 इज 2x, माइनस 2 साइन 3x होल डिवाइडेड बाय 2 साइन, अगर ध्यान से देख रहे हो तो 5x प्लस x 6x अपॉन 2 3x इंटू साइन x माइनस 5x जो होता है माइनस 2x. यहाँ पर एक बड़ा ही खतरनाक फार्मूला लगने वाला है, जो मैं साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, आ रहा है, दिख रहा है. बच्चों ने कहा सर ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 साइन 3x, अंदर बचेगा कुछ, नीचे है 2 साइन 3x इंटू साइन ऑफ माइनस 2x होता है माइनस साइन 2x, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा. अंदर बचेगा सर cos 2x माइनस 1, इसको ध्यान से देख लेना cos 2x माइनस 1. अगर क्लास 7 है तो हमने क्या लिखा, ये 2 साइन 3x है, 2 साइन 3x को बाय बाय कर दिया. अब थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा, हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, हमारे पास है cos 2x माइनस 1 अपॉन माइनस साइन 2x. मैंने कहा माइनस को कि भाई तू ऊपर चला जा, जब ऊपर जाएगा माइनस तो ये माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और ये प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी होल डिवाइडेड बाय साइन 2x. साइन 2x को देखकर मैं हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला मुझे समझ आ रहा है. cos 2x ये भी एक फॉर्मूला है, बट मैंने अभी नहीं कराया. 1 माइनस cos 2x की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होल अपॉन 2 साइन x इंटू cos x. यहां लगाया मैंने cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और यहां लगाया है साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू cos a. तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन x इंटू cos x. 1 से 1 गया, 1 से 1 कैंसिल करना था इसलिए ऐसा करा, बचा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन x इंटू cos x. जब मैं इसको ध्यान से देख रहा हूँ तो 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, बचा साइन x अपॉन cos x इज इक्वल्स टू tan x. हमें इसको किसके बराबर लाना था, tan x के बराबर, और इसको tan x के बराबर मैं ले भी आया हूँ. ये करने के बाद मैंने NCERT की 3.3 से पहले के सारे एग्जाम्पल्स आपको करा दिए.
अब मैं आपसे एक बात कहूंगा कि एनसीईआरटी की 3.3 आप ट्राई करो, एनसीईआरटी की आप 3.3 ट्राई करो। मैं एनसीईआरटी की 3.3 आपको 25 से 1 तक कराऊंगा, मतलब करेले से स्टार्ट करके शाही पनीर पे ख़त्म करूंगा। मुश्किल, ये जो बच्चे 10th में भी मेरे से पढ़े थे उनको पता है मैं हमेशा मुश्किल से आसान जाता हूँ, आसान से मुश्किल नहीं जाता। आपकी ज़िंदगी के आखिरी दिन अच्छे दिन होने चाहिए, शुरू के दिन में तो स्ट्रगल इंसान झेल लेता है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।